फॉर्मेट so, करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड ऑफकोर्स यहां पे लाइसेंस वाले वर्जन की बात हो रही है सो so, बेसिकली तीन तरीका है जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हो फॉर्मेट के बाद एंड जो फर्स्ट मेथड में बताने जा रहा हूं वो सबसे बेस्ट मेथड है इंस्टॉल करने के लिए बट फिर भी आप थर्ड मेथड जरूर देखना क्योंकि मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करने वाला हूं बट बिफोर दैट ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑफिस का लाइसेंस आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप को ऑन करते हो तो आप जो फर्स्ट टाइम ऑफिस ऑन करते हो तो आपको एक साइन इन करना पड़ता है तो उसी साइन इन से आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है एंड ऑफ़ कोर्स ये उनके लिए जिनका ऑफिस इंक्लूडेड था लैपटॉप के साथ so, लाइसेंस है कि नहीं गूगल so, पे जाओ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ऑन करो, अपने को करो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस एंड सब्सक्रिप्शन देखोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में लिखा होगा परचेज में तो होता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक्ड है एंड ये ही है फर्स्ट मेथड एंड राइट साइड में आप देखोगे तो बटन दिया so इसके आपको चार देखने को bit, जिनको पता हो डायरेक्टली यूज कर सकते हो अदरवाइज डिफॉल्टे छोड़ दोन प्रेस इंस्टॉल फिर आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंस्टॉल एंड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा so ये

से आपको एक और ऑप्शन वहां पे देखने को मिल रहा था ऑफलाइन इंस्टॉलर तो एक्चुअली ये इंस्टॉलर से आपका पूरा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है बट गाइस पर्सनली मैं इसे बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूं बिकॉज इसका इंटरफेस मुझे कुछ खास पसंद नहीं है थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है सो so दैट्स आप डायरेक्टली डिफॉल्ट पे रहने दो एंड इंस्टॉल प्रेस करो आपका इंस्टॉल हो जाएगा सो नाउ कम्स टू सेकेंड मेथड तो ये मेथड है आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सो मैं assume कर रहा हूं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिंक्ड है बिकॉज लोकल अकाउंट में आपको स्टोर पे इस तरह से ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा सो जस्ट कीप इन माइंड सो सबसे पहले आपको स्टोर खोलना है देन आपको ऑप्शन में जाना है उसके बाद डाउनलोड्स एंड अपडेट देन आपको ऑल ओन्ड में जाना है एंड आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड बगल में आपको एक मैनेज का बटन दिखेगा तो so, जैसे ही आप मैनेज प्रेस करोगे आपका मल्टीपल जो भी आपके लाइसेंस

इससे आप ऑफलाइन में ऑफ़िस नहीं चला सकते हो सो so, अगर किसी को नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनलाइन ऐप भी होता है सो so आपको पता चल गया एंड यहां पर आपको राइट साइड क्लिक करना है इंस्टॉल ऑफिस पे उसके बाद ये आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर लेके जाएगा देन अकाउंट को साइन इन करना है एंड मे बी आपको एक मैसेज देखने को मिल सकता है वी कांट फाइंड सब्सक्रिप्शन तो ये इसीलिए बिकॉज इस ऐप के थ्रू जब आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे जाते हो तो आपका वो बाय डिफॉल्ट ऑफिस 365 पे लेके चला जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है बैक टू सब्सक्रिप्शन का एक बटन है इसे बस प्रेस कर दो आप पिछले विंडो में चले जाओगे यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड इसके बाद प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो कि आपका फर्स्ट मेथड में यूज हुआ था एंड सेम तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हो सो एक्स्ट्रा में मैं दो चीज जरूर बता दूं तो सबसे पहला ये जो ऑफिस ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का लाइसेंस है या नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वेब वर्जन फ्री है जो कि आप यूज कर सकते हो बिना लाइसेंस का एंड सेकंड अगर आपको इस ऑफिस ऐप की जरूरत नहीं है तो आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो जैसे कि मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं तो आपको बस सेटिंग्स में जाना है देन आपको एप्स में जाना है नीचे स्क्रॉल करोगे तो ओ सेक्शन में आपको ऑफिस ऐप मिल जाएगा आप इसे अन कर सकते हो सो दैट्स इट सो ये सारे मेथड से जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हो एंड ये तीन सबसे बेस्ट मेथड है